चाइना के मॉडर्न एरिए से हम पहुंच गए हैं। यहाँ के खेतों में क्या नजारा है, खेत है, पहाड़ है और इधर सारे घर देखिए। और ये आंटी किसान, यहाँ यहाँ ये देखिए, सारा कुछ घर है, ये खेत है, ये पहाड़ है, बहुत ही अच्छी लाइफ है। देखिए वो छत है वहाँ पर, और छत से ऊंची दीवार बना के रखते हैं ताकि कभी आग लगे तो आगे फैल ना पाए। भाई इतना पतला रोड है, यहाँ पे फंस जाते हैं। और यहाँ आप लोगों को भाई बूढ़े लोग बहुत देखने मिलेंगे यार, बहुत ज्यादा बूढ़े लोग हैं यहाँ पर। तकरीबन उनको देख देख के ऐसा लग रहा है कि भाई वो तकरीबन 100+ ही होंगे। ट्रेडिशनल कपड़ा यहाँ का पहने हुए हैं और बिंदी भी लगाए यार इंडियन जैसी। वीडियो यूट्यूब। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। इस वक्त हूँ मैं टुंसी ओल्ड स्ट्रीट। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, ये पूरी स्ट्रीट हम एक्सप्लोर की है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे गांव में लेके जाने वाला हूँ जो तकरीबन 900 साल पुराना है, और जो वहाँ के सारे घर है, जो सारा वहाँ का सिस्टम है, जो वहाँ का कलर है, रोड है, स्ट्रीट है, हर चीज़ वही 900 साल पुरानी है। तो बहुत ही अच्छा एडवेंचर होने वाला है भाई। देखेंगे कि भाई 900 साल पहले लोग रहा कैसे करते थे। अभी तक वो सारे लोग अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, अभी तक वैसे ही रहते हैं, वैसे ही घर है, घर के कलर तक नहीं चेंज हुए। रोड वगैरह जो है वो तकरीबन 900 साल पहले बने हुए हैं, और जो वाटर सिस्टम है वगैरह सब काफ़ी ज़्यादा पुराना है। लेकिन एक सबसे बड़ा इशू ये है कि वो गांव यहाँ से तकरीबन 85 किलोमीटर दूर है, तो यार बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी मैंने मैप पे देखा तो तकरीबन मुझे वहाँ पहुँचने के लिए लगेगा भाई 3.5 घंटा। पहले यहाँ से एक बस लेना है, फिर उसके बाद एक बस लेना है, तो भाई दो बस चेंज करके जाना है। एडवेंचर होगा भाई, मज़ा आएगी। तो यार देखते हैं भाई एंशियंट चाइना के गांव हुआ कैसे करते थे। तो सबसे पहले चलते हैं भाई यहाँ से बस स्टेशन, और अभी बज रहे हैं सुबह के 11, देखते हैं कितना टाइम लगता है भाई वहाँ पहुँचने के लिए। आप लोगों को मैं तो पुराने चाइना की स्ट्रीट वगैरह तो दिखाई दिया, लेकिन लोग रहा कैसे करते थे वो इस वीडियो में देखेंगे हम। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से बस नंबर 21 लेके जाना है, एक यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है उसके बस स्टेशन पे, फिर वहाँ से मुझे बस मिलेगी, वो हमको लेके जाएगी उस एंशियंट गांव में। और उस गांव का नाम ही नहीं बताया मैं आप लोगों को, उस गांव का नाम है होनशुन विलेज। तो देखिए इस तरफ है कुछ बस स्टेशन, वहाँ चलते हैं और बस लेते हैं, फिर हमारे पहले स्टॉप पे निकलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं भाई जो भी एडवेंचर होगा, जो भी एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो यहाँ देखिए भाई इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम बहुत सारे मिलेंगे यार, क्या अच्छी बाइक है यार, बहुत ही मस्त दिखती है। तो भाई यार अगर मुंबई में भी ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक आए ना पतली पतली तो मज़ा आएगी यार चलाने। और कितने की मिलती है इंडिया में अगर आप लोगों को मालूम है तो बताना। देखिए भाई सुबह का टाइम है, तो यहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह आप लोगों को देखने मिल जाएगा छोटी छोटी दुकानों में। देखिए भाई इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक छोटा वाला रिक्शा, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। और ये देखिए भाई धूप से बचने के लिए ना ये लोग ये लगा के रखते हैं। तो चलते हैं भाई बस पकड़ते हैं, नहीं तो भाई शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। अभी 11 बज रहे हैं, 3-3.5 घंटा लगेगा, तो भाई 3 बज जाएगा वैसे ही। एक मिनट चचा, ये आ गई बस नंबर 21। पहले पूछते हैं भाई कि ये जाएगी कि भी नहीं। ओके तो भाई जाएगी, इनको बताया। अगर आपके पास अली पे है तो यहाँ आप स्कैन कर सकते हो, और अगर आपके पास कैश है तो यहाँ 2 युआन डालना है और यहाँ से एक टिकट ले लेना है। देखिए भाई तो खुद से अपने आप अपनी टिकट निकालना पड़ता है आप लोगों को। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा 2 युआन की टिकट निकली, और जो हमारा पहला स्टॉप है वहाँ पहुँचने में हमको लगेगा तकरीबन 50 मिनट, और यहाँ से डिस्टेंस है 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर के सिर्फ 2 युआन लगे, जो कि होते तकरीबन 23 रुपए। तो भाई जो छोटी सिटीज में बस के प्राइसेस है वो काफी सस्ते हैं भाई, 22 किलोमीटर के लिए सिर्फ 2 युआन काफी सही है। और एकदम आगे वाली सीट पे यहाँ बैठा हूँ मैं, और यहाँ से देख सकते हो यहाँ से सारा व्यू एंजॉय कर रहे हैं बैठे बैठे मैं और ये ड्राइवर भाई। ये देखिए वो देखिए भाई उस बस से आए हम, और आज ही हमारे पहले स्टॉप पे हम पहुंच गए हैं। तो इस जगह का नाम है होनशुन रेलवे स्टेशन, और अब यहाँ से हमको दूसरी बस मिलेगी जो हमको लेके जाएगी होनशुन विलेज के लिए। और अब आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ बस में भाई, एक और बहुत ही अच्छा सीन हुआ। मैं बैठा हुआ था सामने, एक चाइनीज़ फैमिली बैठी हुई थी, तो अचानक बोलते हेलो, तो मैं बोला भाई नहीं आओ, और उसके बाद फिर चाइनीज़ बोलने लगे। भाई चाइनीज़ समझ में नहीं आती तो मैं फट से बोल दिया हिंदू हिंदू, तो लोग समझ गए, क्योंकि भाई यहाँ जो चाइना में इंडिया को बोलते हैं हिंदू, YINDU हिंदू बोलते हैं। अब यहाँ से हमको पता लगाना है भाई कि कौन सी बस है जो हमको होनशुन विलेज लेके जाएगी। मैं ट्रांसलेट करता हूँ और किसी से पूछता हूँ। देखिए एक्सक्यूज मी, भाई सोच में पड़ गए। ये बंदा हमारी हेल्प कर रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, आप कुछ पूछेंगे तो पूरा आधा रास्ते तक छोड़ के आते हैं। तो भाई से सिर्फ मैं ये पूछा कि ये बस कहाँ से जाएगी, इनको मालूम नहीं था, तो 2-4 लोग से पूछे भाई, ऐसा नहीं कि बोले कि भाई मुझे नहीं मालूम है कहीं और से पूछ लो।
तो दो चार लोग से पूछे, कंफर्म किए, फिर सिक्योरिटी गार्ड से पूछे, वो बताया कि भाई बस वहाँ से मिलेगी। हम वहाँ थे तो उसके बाद ये बताया नहीं कि इस तरफ जाना है, ये बोलिए भाई चलो मेरे साथ, मैं फॉलो करूँ मुझे, मैं आपको बताता हूँ कि बस कहाँ से मिलेगी। तो भाई यहाँ लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन लोग इतने ज़्यादा हेल्पफुल है ना भाई कि वो बैरियर हट ही जाता है। थोड़ा सा ट्रांसलेशन यूज़ करिए, हेल्प करने के लिए हरदम रेडी रहेंगे। तो यार ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है। यार हम यहाँ से बस लेने वाले थे, लेकिन एक टैक्सी वाले भाई मिल गए, तो ये बोले भाई मैं छोड़ दूंगा तुमको 120 यूआन में। तो भाई यहाँ से तकरीबन है 60-70 किलोमीटर। तो भाई सबसे मेन थैंक यू इन दोनों को, जो भाई बहुत ज़्यादा हेल्प किए भाई। कम से कम समझ सकते हो 800-900 मीटर साथ में चल के आए हैं। व्हाट्स योर नेम? नेम या योर नेम? डिजागा। डिजागा, थैंक यू सो मच। शीशे भाई बहुत ही अच्छे लोग हैं, मदद कर दिए भाई। टैक्सी मिल गई, यहाँ से मुझे बस लेना था, लेकिन भाई टैक्सी मिल गई तो मतलब चलते हैं यार, लेट हो जाएगा नहीं तो। टैक्सी में हम 1.5 से 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, वैसे 3 घंटे यहाँ से और लगता। तो अभी टैक्सी वाले भाई के साथ सफ़र करते हैं। बाय बाय। तो यार अब आगे का सारा सफ़र जो है वो हम कार में तय करेंगे भाई। शेयरिंग कैब नहीं है, पूरी पर्सनल कैब है, क्योंकि भाई सस्ती इतनी इसलिए मिल गई मुझे, 60 किलोमीटर के लिए भाई 1200-1300 रुपये ठीक है भाई। 60 किलोमीटर काफ़ी दूर, वो भी पहाड़ों में जाना है। तो अगर वहाँ बस के लिए रुकते तो भाई बस की टाइमिंग भी हो सकता है भाई आधे घंटे बाद की बस मिले। किस्मत अच्छी इसीलिए क्योंकि भाई कार का जो फेयर है, जो कार का भाड़ा है, वो इतना नहीं होता है, वो तकरीबन 250 यूआन होता है। ये भाई मुझे आधे रेट में इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि ये है वहीं के होंगचुन विलेज के पास में रहते हैं, तो इसलिए भाई इनका भी फायदा हो जाएगा। ये वहीं खाली जा रहे थे, ये मुझे बैठा लिए, इनका 120 यूआन बन गया और भाई मेरा काम बन गया। पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ से हो? इंदु। बढ़िया, देखिए भाई वीडियो बनाने लगे, बड़ी मजा आने वाली है भाई, लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो भाई बोल रहे हैं कि हमारे टैक्सी ग्रुप के लिए एक वीडियो बना के दीजिए। निहाओ चाइना, निहाओ 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 इंदु, निहाओ चाइना, चाइना इंडिया फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स इंदु चाइना फ्रेंड। तो यार देख सकते हो अब हम आ गए हैं पहाड़ों में भाई, बहुत ही घना जंगल जैसा पहाड़ है और बहुत ही अच्छे व्यू आ रहे हैं आप देख सकते हो, और बीच बीच में भाई बहुत ही अच्छे अच्छे गांव आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे घर आ रहे हैं, और रास्ता जो है ना भाई बहुत ही अच्छा है। आप देखिए, और जो यहाँ का माहौल है ना भाई बिल्कुल महाराष्ट्र जैसा, जो बारिश में हो जाता है ना भाई बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल वैसे। ये देखिए सारे दूर पे घर देखिए, और सारे पीछे पहाड़ देख सकते हो, खेत वगैरह है, बहुत ही अच्छा सीन है यार। One hour later. तो यार फाइनली हम पहुंच गए होंगचुन विलेज के अंदर, और यहाँ आने के लिए आप लोगों को टिकट लेना पड़ेगा भाई, यूनेस्को के अंदर थोड़ा देखभाल करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा खर्चा वगैरह लगता है, इसलिए टिकट है आने के लिए। तो यहाँ फॉरेनर की टिकट है, मेरी टिकट मिली मुझे 104 यूआन की, जो कि होते हैं 1200 रुपया इंडियन रुपी में 1200, और अगर आप लोकल हो तो लोकल के लिए बहुत ही सस्ती है, जैसे हर जगह होता है, फॉरेनर के लिए ज़्यादा। और भाई ये विलेज देखिए भाई, पहला व्यू देखिए यहाँ का, देखिए भाई यहाँ का पहला व्यू देख सकते हो भाई, यहाँ थोड़ा खेत वगैरह है, यहाँ पूरा पीछे सारे घर है, पहाड़ है, पतला सा रोड गया है, यहाँ पे पॉन्ड है। तो चलते हैं भाई एक्सप्लोर करते हैं यार, बहुत ही मज़ा आने वाली है, बहुत ही मस्त लग रहा है। अब देख सकते हो सारे पुराने टाइप के घर बने हुए हैं, रोड वगैरह देखिए भाई बहुत पुराने रोड है सारे, और यहाँ देख सकते हो भाई खेत वगैरह हैं। तो चलते हैं भाई एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं भाई क्या क्या देखने मिलेगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई बाहर से देख के। चलते हैं अंदर, देखते हैं भाई ये पतली गलियों को एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर। तो भाई यहाँ भी अब भी घुसा हूँ मैं, और फोटो लेना चालू हो गया लोगों का। तो भाई चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे, देख सकते हो सारा व्यू। और अरे सुनने दो, देखिए भाई पतली पतली गलियां हैं यहाँ पर, और थोड़े रेस्टोरेंट भी बना के रख दिए क्योंकि भाई टूरिस्ट वगैरह आते हैं, इसलिए थोड़ा स्टार्टिंग का जो एरिया है उसको थोड़ा सा भाई ज़्यादा आ के रखें। तो चलते हैं हम अंदर, जो पुराना पार्ट है उसको एक्सप्लोर करेंगे हम। तो भाई देख सकते हो एंटर हो गए हैं भाई अंदर, और यहाँ के घर वगैरह देखिए भाई, दीवार जो बनी हुई है सारे देखिए मिट्टी का वो है, और पत्थर वगैरह आप देख सकते हो काफ़ी पुराने टाइप का है, और कुछ चीज़ें हैं जो रेनोवेट हो गई है, लेकिन भाई ये देखिए पत्थर वत्थर वगैरह देखिए यार, कितना पुराने टाइम से वैसी लगा हुआ है यार, यहाँ बहुत ही मस्त है यार, मतलब आप देख सकते हो गलियाँ, पतली पतली गलियाँ हैं, और देखिए पुराने टाइप के गेट वगैरह बने हुए हैं, ये भाई 900 साल पुराने ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं पूरे यहाँ पर। ये देखिए भाई घर वगैरह की डिज़ाइन देखिए, सब एकदम पुराने टाइम का आपको लोगों को देखने मिलेगा। ये देखिए छोटी छोटी यहाँ दुकान देखने मिलेगी इस गाँव में, अलग अलग चीज़ बेच रहे भाई, ड्राइड आइटम, सूखा हुआ कुछ आइटम बेच रहे हैं। ये घर देखिए भाई यहाँ पे, दरवाज़ा वगैरह देखिए, वीडियो नहीं यूट्यूब
लाइक दिस। तो भाई पूछ रहे थे कि कैसे वीडियो बना रहे, कैसे दिख रहे, तो आके चेक कर रहे थे, घर दिखा रहा था मैं। तो देख सकते हो भाई कितने पुराने टाइम का घर है, दरवाजा देखिए, ऐसा लग रहा है भाई कई सौ साल से वैसी लगा हुआ है। देखिए जैसे हमारे गांव में होता है ना, और भाई ये सब देखिए यार, बहुत ही मस्त लग रहा है यार, बहुत ही मस्त पतली पतली गलियां हैं यार, बहुत मजा आएगी एक्सप्लोर करने। और अगर कुछ ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट वगैरह मिलेगा तो वहाँ खाएंगे भी। ये देखिए है यार छोटे छोटे यहाँ पर, ये देखिए इस गाँव में ऐसी दुकानें हैं सारी। ये देखिए भाई, हरदम आप लोगों को हर बार बोला ना कि चाइना बहुत साफ है, बहुत साफ है, गंदा भी है भाई। ये देखिए, ये देखिए कोई जानवर यहाँ हल्का होके गया है। और सारे नज़ारे देखिए यार, पूरा टाइम है हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए। ये देखिए ट्रेडिशनल गलियाँ पूरी सारी, पुराने टाइम की एकदम पतली पतली गलियाँ हैं। ये देखिए सारा सिस्टम देखिए, ओ भाई क्या वाइब है यार यहाँ की, क्या मस्त माहौल है यहाँ पे। छोटी छोटी दुकानें देखेंगे, देखिए सुवीनियर भी यहाँ मिल रहे हैं। भाई इतना पतला रोड है, यहाँ पे फंस जाते हैं। और भाई ना मेरे पास कोई मैप है ना कुछ है, मैं बस ऐसे निकला हूँ और कुछ मालूम ही नहीं कौन सी गली में जा रहा हूँ। जो गली दिख रही है मैं चलते जा रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ का छोटी सी गटर भी है साइड में। मैं भाई जहाँ लोग जा रहे हैं, जहाँ रास्ता जा रहा है, मैं जाए जा रहा हूँ। और यहाँ का आर्किटेक्चर देखिए भाई। तो भाई तुम्हारा भाई लाइव फ्रॉम धरावी, बहुत ही अच्छी जगह है। गांव के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं मैं, ये गांव बनाया गया था 1131 में, आज से तकरीबन 900 साल पहले वांग वेन कोई एक जनरल था हान डायनेस्टी का, उसके द्वारा बनाया गया था भाई। बहुत ही अच्छा है यार। भाई आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ के घर होते कैसे। ये देखिए ऐसे कुछ टाइप के घर होते हैं, इनका आर्किटेक्चर देख सकते हो आप। ये सारा कुछ पत्रा देखिए कैसे बना के रखते हैं। और देखिए सारा कुछ बाहर ये बैठने की जगह हो सकती है या फिर कुछ हाथ वाथ धोने के लिए। देखिए ये सारे पुराने टाइम का वैसे ही बना हुआ है। ये भाई एक्सप्लोर करते हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। और देखिए ऐसे आंटी लोग ना, इतने बूढ़े बूढ़े आंटी लोग ना यहाँ देख सकते हो सामान बेच रहे हैं। ये देखिए छोटे मोटे सुवीनियर आप लोगों को यहाँ देखने मिलेंगे। ये देखिए बहुत ही बूढ़ी आंटी है यहाँ पर। और गलियाँ देखिए भाई कितनी पतली पतली है यार, भाई साहब। ये देखिए ऐसा कुछ घर वगैरह है यहाँ पे। और भाई 900 साल से ना ये जगह चेंज नहीं हुई, अभी थोड़े से चेंजेस इसमें क्या है, मतलब यहाँ थोड़ा सा भाई आप समझ सकते हो एसी वगैरह लगा दी हैं, और टूरिस्ट आते हैं तो थोड़ा सा उनके लिए कुछ चीज़ें ला के रख दी हैं, बस वही चेंज हुआ है। बाकी भाई अभी भी सारे लोग वैसे ही रहते हैं। घर देखिए फिर से, देखिए ऐसे टाइप के घर, सीढ़ियाँ वगैरह आप देख सकते हो। मैं आगे आप लोगों को और बहुत सारी चीज़ दिखाता हूँ। रोड वगैरह देख सकते हो भाई, ये 900 साल पुराना वैसे ही बना के रखे हैं। ये देखिए लग रहा है छोटा सा खेत, खेत है कुछ, हाँ देखिए कुछ खेत जैसा है। और देखिए और यहाँ के जो घर के कलर है ना वो सिर्फ व्हाइट और ब्लैक रहते हैं, दीवार पे सारे व्हाइट रहते हैं और जो छत रहती है वो ब्लैक रहती है। और यहाँ भाई बहुत सारे आप लोगों को ना चाइनीज स्टूडेंट देखने मिलेंगे जो यहाँ बैठ के ना ड्राइंग बनाते हैं, आर्ट के लिए एकदम प्रॉपर रहता है, तो यहाँ वो आके बैठ के ड्राइंग बनाते हैं। तो भाई बहुत मेहनत से चल चल के मैं ऐसी जगह पे आ गया जहाँ टूरिस्ट ही नहीं है भाई, ये अच्छी जगह है। यहाँ आप लोगों को ज़्यादा वेल प्रिजर्व घर देखने मिलेंगे। ये देखिए भाई ये ऐसे कुछ होते हैं घर जो मेन होते हैं ना घर, ये देखिए ऐसे घर होते हैं। और यहाँ आप लोगों को भाई बूढ़े लोग बहुत देखने मिलेंगे यार, बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हैं यहाँ पर। तकरीबन उनको देख देख के ऐसा लग रहा है कि भाई वो तकरीबन 100+ ही होंगे। तो भाई गांव में थोड़ा सा पोल्यूशन कम रहती है और यहाँ ज़िंदगी लंबी रहती है भाई, तो यहाँ आप लोगों को बहुत सारे बूढ़े लोग देखने मिलेंगे और जो काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो ऐसा कुछ सीन है। देखिए दादी जी पीछे खड़ी हुई हैं। इस जगह पे मुझे 2 से 3 टाइप के घर देखने मिल रहे हैं। एक तो ऐसे हैं भाई जो भाई ईंटे जैसे टाइप से बने हुए हैं और ऊपर देखिए छोटे छोटे पत्थरे जैसे रखा हुआ है, और एक दूसरा जो है वो देख सकते हो आप वो ऐसे टाइप के हैं जो पत्थर से बने हुए हैं और कुछ बीच में देख सकते हो वो लगाए हैं सीमेंट जैसा कुछ है चिपकाने के लिए, और ऊपर देखिए ऐसे पत्थरे रहते हैं भाई। देखिए ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पत्थरे लगा के रखते हैं। तो भाई आप लोगों को ये देख के आइडिया मिलेगा कि भाई पहले के लोग कैसे रहा करते थे चाइना में। बहुत ही मतलब ठीक ठाक माहौल है यार, बहुत ही ठीक ठाक माहौल है। और भाई लोग बोलते हैं कि बार बार सफाई 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 बोलते थे, चाइना बहुत साफ है, यहाँ भी सफाई है, लेकिन भाई इतने सारे टूरिस्ट है कि थोड़ा गंदा हो जा रहा है। और आप लोगों को मैं वो पहले जानवर जो हल्का हुआ था वो भी दिखाया आप लोगों को, यहाँ फिर भी देखिए ये सब रखे हुए हैं सारा। तो भाई माहौल बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो पीछे सारे कुछ पहाड़ हैं, घर देख सकते हो भाई। ये ऐसे टाइप के जो घर होते हैं ना यार जो पतरे से निकला हुआ था, बहुत मस्त लगता है मुझे। तो चलते हैं भाई, यहाँ पर पौंड भी है, यहाँ पर लेक वगैरह भी है, तो लेक एक देखते हैं भाई। और यहाँ का जो पानी का सिस्टम है ना भाई, इस गांव का पानी का सिस्टम वो 400 से 500 साल पुराना है, अभी तक वो ऐसे चल रहा है। तो भाई बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी थी इन लोग के पास। तो यार एक सबसे मेन चीज़ तो आप लोगों को बताना भूल गया, जो इनकी छत होती है, छत से ऊँची दीवार होती है। देखिए वो छत है वहाँ पर, और छत से ऊँची दीवार बना के रखते हैं ताकि कभी आग लगे तो आगे फैल ना पाए। ये सबसे मेन चीज़ तो आप लोगों को बताना ही भूल गया था। देखिए वो छत है, छत के ऊपर बड़ी सी दीवार बना के रखे हैं दोनों तरफ ताकि कभी आग लगे तो ये फैल ना पाए, दूसरी जगह आ ना पाए। तो भाई बहुत ही दिमाग वाला आर्किटेक्चर बना के रखे थे भाई। ये देखिए ना
ये थोड़ा सा हल्का हल्का रेन्यूवेट हुआ, लेकिन ज़्यादातर जो घर है भाई वो रेन्यूवेट नहीं हुए हैं, हल्का फुल्का जो टचअप हुआ है। और बाकी सारा नज़ारा आप देखिए यार, पतली पतली गली है, बहुत मज़ा आ रही है इसको एक्सप्लोर करने के लिए। ये भाई ये छोटी रिक्शा आप लोगों को हर जगह देखने मिलेगी, और ये पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर पहाड़ वगैरह भी अच्छे अच्छे हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया इस गलियों में भाई बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको शॉपिंग करना है मसाले वगैरह बहुत सारी चीज़ मिलेगी। और यहाँ देखिए यहाँ सारे कुछ ट्रेडिशनल कपड़े जो पहले पहना करते थे वो सारे कपड़े आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पर। ये देखिए ये मोस्टली जो है वो लेडीज़ है, देखिए चाइनीज़ जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन में कपड़े हैं सारे आप लोगों को देखने मिलेंगे। ये देखिए भाई बच्चों का, तो अगर आपको चाहिए तो यहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं, और ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है यार, बहुत अच्छा डेकोरेट करके रखते हैं यार। ये देखिए, और ये जो चीज़ है ना भाई, ये जो लैंटर्न है ना, इससे और अच्छा लगता है। देखिए छोटी छोटी कैंडी वगैरह मिल रही है, दादी जी बेच रहे हैं कैंडी है ये। ओहो ये तो फ्रिज मैगनेट है, ये लेने लायक चीज़ है यार, ये लेने वाला आइटम है यार, ये कलेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। पूछता हूँ मैं कितने का है। फोर युआन, हाँ भाई चार युआन का है तो काफ़ी सस्ता है यार, 50 रुपये का एक मिल रहा है यार, तो एक दो ले लेता हूँ यार। कौन सा अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से ना भाई, ये वाला बेस्ट लग रहा है यार, एक ये ले लेता हूँ और एक ऐसा गोल में ले लेता हूँ। ये एक और ये एक, काफ़ी अच्छा लग रहा है, चार युआन का काफ़ी ठीक है यार, 8 युआन होता है। यहाँ थोड़ा स्नैक वगैरह भी है गिफ्ट देने के लिए, काफ़ी अच्छा है। देखिए इसमें दिए हैं, ये पैकिंग भी अच्छी करके दिए हैं। शेषे कितना लिए हैं, हाउ मच? अच्छा तो भाई, अरे जान दो यार, अभी देखो चार बोल के 10 ले लिए, तो 10 ले लिए, ठीक है यार कोई बात नहीं, जाने दो। चेचे चेचे कोई बात नहीं यार, अभी चार बोले आपके सामने, ट्रांसलेशन में भी चार बोले और दिखा भी ऐसा चार ही रहे थे, लेकिन 10 ले लिए यार, कोई बात नहीं जाने दो यार। कितना होता है 10 युआन? 10 20 युआन, 220 रुपये होते हैं तो भाई 20 युआन होते हैं, जाने दो यार। कितना एक्स्ट्रा लिए हैं भाई? 12 युआन एक्स्ट्रा लिए हैं, 150 रुपया चलता है यार। हेलो न्या 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 भाई, ये घर देखो पूरा भाई, ये तो झाड़ से कवर है एकदम, क्या अच्छी अच्छी भाई पतली पतली गलियां हैं, देख सकते हो यार कितनी अच्छी अच्छी पतली पतली गलियां हैं। ये जो सारे डिज़ाइन देख रहे हो आप, ये पत्थर वगैरह, ये पहले के टाइम से लगे हुए हैं भाई, कुछ घर में पहले से लगे हुए हैं, कुछ घर में अभी रेनोवेशन हुआ है, चेंज हुआ है, लेकिन भाई जो ज़्यादातर घर है ना पुराने टाइप के आपको देखेंगे उसमें आज तक वैसी है। और ये जो देख रहे हैं ना भाई, ये तो पुराने टाइम का ही है पक्का। और यहाँ से देखिए क्या व्यू आ रहा है इस गाँव का, ये देखिए, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे घर हैं, एक एक फ्लोर के घर हैं, और भाई थोड़ा सा गार्डन जैसा बना के रखे हैं, और हर साइड में ना भाई आप लोगों को पतली सी गटर जैसा देखने मिलेगा, और ऐसा कुछ है यार, बहुत ही अच्छा बना के रखे हैं यार। और मुझे कुछ आइडिया ही नहीं भाई कि मैं जा रहा हूँ, जहाँ रास्ता मिल रहा है भाई मैं जाए जा रहा हूँ, ना कुछ मैप है ना कुछ आइडिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यार अच्छा है यार, ज़्यादा लोग नहीं है भाई, कुछ पार्ट में थोड़े से टूरिस्ट मिलेंगे चाइनीज़, बाकी पार्ट खाली है यार। देखिए क्या बात है यार, ये इसकी जो डिज़ाइन है ना भाई, ये देखिए ये जो डिज़ाइन रहती है ना, ये बहुत सही लगती है यार, बहुत सही लगती है। तो देखते हैं यार हम, अगर कोई ऐसा साइड में कैफ़े मिलता है ना भाई, कैफ़े तो बहुत सारे हैं जहाँ कॉफ़ी मिले यार अच्छी सी, तो वहाँ बैठ के हम कॉफ़ी पियेंगे यार। ये देखिए कुछ घर ना भाई काफ़ी ज़्यादा पुराने दिखते हैं यार, कुछ थोड़े से रेनोवेट हो गए हैं, बाकी कुछ घर देखिए कितने ज़्यादा पुराने लगते हैं, दरवाज़ा वगैरह आप देख सकते हो। किसी के घर में अगर एंट्री मिले ना तो भाई मज़ा आ जाए यार, अगर यार कोई चाइनीज़ स्पीकिंग दोस्त होता ना साथ में, मज़ा आ जाती यार, किसी के घर पे जा सकते थे, बात वत कर सकते थे, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वहाँ यहाँ रहते कैसे हैं, यहाँ ज़िंदगी कैसी है, ये सब पूछते। लेकिन ट्राई करते हैं, अगर कोई मिला तो हम ट्रांसलेशन से पूछेंगे कि भाई यहाँ ज़िंदगी कैसी है, लोग कैसे रहते हैं। तो भाई पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के इस गली से बाहर आए हैं, और यहाँ देखिए भाई यहाँ एक चौड़ी सड़क है, यहाँ चौड़ा रोड है, और यहाँ घर वगैरह देख सकते हो आप, यहाँ थोड़ा सा भाई देखिए हल्की छोटे छोटे रेस्टोरेंट बना के रखे हैं, ये सारे घर देखिए, जैसे कि आप लोगों को बता रहा था मैं, देखिए छत से बड़ी दीवार है आग से बचाने के लिए, देखिए इधर भी वही है, तो यार काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है। और यहाँ थोड़ा सा चौड़ा सा रोड है, देखते हैं भाई इस रोड पे क्या देखने मिलेगा। और भाई यहाँ की जो पॉन्ड वगैरह है, जो यहाँ की लेक है, वो तो मुझे मालूम ही नहीं, कहाँ मिल ही नहीं रही है भाई, और मेरे पास मैप है ही नहीं, और कहाँ है, चलो भाई अपने को क्या है, अपने लोग सिर्फ घूमते रहेंगे, अगर मिलती है तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देखिए छोटे से कितना अच्छा घर है भाई, ये देखिए क्या बात है यार, आप लोगों को यहाँ सुविनियर बहुत सारे देखने मिलेंगे, देखिए अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर, न्याओ देखिए ये पता नहीं क्या पेड़ वेड़ से बनाए हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने मिलेंगी सुविनियर। और पीछे भाई ये व्यू देखिए यार, ये देखिए गार्डन टाइप बना के रखे, शायद मेरे हिसाब से ये भी कैफ़े है कुछ, और पीछे पहाड़ देखिए भाई,
येलो माउंटेन्स, पीछे खेत है, ये पहाड़ है, इधर सारे नज़ारे देखिए यार, मतलब क्या ही ज़्यादा खूबसूरत गांव है। तो चलते हैं भाई थोड़ा सा खेत की तरफ, आप लोगों को खेत दिखाते हैं यहाँ के। ये देखिए इधर के किसान वगैरह देखिए कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये देखिए। तो भाई हम आ गए इस गाँव के खेत में, ये क्या उगा है भाई, अब ये तो मुझे मालूम नहीं। देखिए यहाँ बतख वगैरह भी है, क्या ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, क्या मतलब क्या खूबसूरत गांव है यार। ये देखिए पीछे पूरे पहाड़ हैं, यहाँ पर क्या चीज़ बोए हैं भाई, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, अगर आप लोगों को मालूम रहेगा तो बताना। और ये कुछ तो भाई पानी का फव्वारा जैसा है। ये देखिए सारे किसान लोग हैं, अगर भाई हमको चाइनीज़ आती ना तो भाई थोड़ी सी बात करते थे लोगों से यार, यहाँ ज़िंदगी कैसी है, लोग कैसे रहते हैं। लेकिन यार चलिए ठीक है यार, थोड़ा सा ट्राई करेंगे कोई मिले तो ट्रांसलेट करके हम बात करने की। और बहुत बड़ा खेत है भाई, बहुत दूर तक है भाई, देखिए वहाँ भी सारे घर है पूरे, और यहाँ भी घर है, और इस तरफ तक तो हम गए ही नहीं है, पूरा इस तरफ ही घूमे हैं। तो अभी थोड़ा आगे तक चलेंगे, फिर हम उधर उस तरफ भी घूमने चलेंगे। तो यार भाई एक चीज़ तो मैं भी देखा कि बिना टिकट यहाँ से आ सकते हैं भाई, देखिए ये मेन रोड है, यहाँ से कूद के आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, बराबर टिकट लेके आना, अच्छी बात नहीं है यार। ये देखिए ये कैफ़े है शायद, बहुत ही अच्छा बना के रखे हैं इसको भी। तो देखिए भाई सामने मेन रोड है, कूद के आ जाइए, लेकिन भाई यार अच्छी चीज़ नहीं है ये, ऐसा नहीं करना। देखिए इस जगह का ये मैप है, ये स्टार मतलब हम यहाँ पर है, तो हम यहाँ का पूरा इतना एरिया एक्सप्लोर किए हैं, ये सारा एरिया देखें, ये एरिया पूरा बाकी है। तो हम चलते हैं यहाँ से, क्रॉस करते हैं ये ब्रिज जो आप सामने देख सकते हो, उधर पर एक ब्रिज है, वो क्रॉस करते हैं, फिर यहाँ थोड़ा सा एरिया घूमते हैं, फिर आएंगे वापस। और यहाँ बीच में एक मून लेक है, ये देखिए, तो ये एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा यहाँ का एरिया एक्सप्लोर करेंगे, फिर आते हैं, चलते हैं इस तरफ, देखिए ये वाली ब्रिज से। और इधर देखिए भाई लाइन से चाइनीज स्टूडेंट बैठे हुए हैं भाई, यहाँ पेंटिंग बना रहे हैं। ये जगह बोलते हैं आर्ट स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी है, क्योंकि यहाँ भाई सीन बहुत अच्छा रहता है भाई, सामने सीन बहुत अच्छा मिलता। तो देखिए सारे लोग ड्राॅइंग बना रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं भाई, क्या अच्छी अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं, देखिए देखिए भाई साहब कितने सारे लोग बैठे हैं, देखिए भाई। देखिए हमको ये ब्रिज क्रॉस करना है, क्या ही खूबसूरत ब्रिज है यार, और सारा नज़ारा देख सकते हो आप। थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है, और यहाँ देखिए सारे लोग बैठ के ड्राइंग वगैरह बना रहे हैं भाई। पानी में देखिए यार अलग से कुछ बना के रखे हैं, इसके अंदर सिर्फ हरा हरा है, बाकी पानी नॉर्मल है। और पानी देख सकते हो भाई इतना कुछ साफ़ नहीं है, नॉर्मल पानी है। ये देखिए भाई यहाँ से व्यू देखिए भाई, क्या व्यू आ रहा है यार, चचा ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। ओ भाई बात है यार, क्या व्यू आ रहा है यहाँ से, एकदम ऊपर खड़े रहो यहाँ से मस्त व्यू आता है यार, एकदम सेंटर में खड़े हुए हैं। ये देखिए वहाँ सारी बीच में दुकानें उकानें दिख रही है, क्या बात है यार। ये कौन सा पेड़ है यार, कमल है क्या? ये देखिए भाई बहुत सारा है इधर पे, बहुत दूर तक है। और ये देखिए यहाँ पता नहीं अलग सी अलग कोई झाड़ी जैसा है। और भाई धोखे से इसमें पैर नहीं रख देना, ये नीचे पानी में चले जाओगे, इसके नीचे पानी है। ये देखिए पानी भाई जो है वो ज़्यादा साफ़ है ना गंदा है, देख सकते हो नीचे का पूरा एरिया देख सकते हो। अरे 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 कहाँ 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 बस छूट रही है तुम्हारी। यहाँ की गटर देखो साफ है यार, ट्रांसपेरेंट है पानी वगैरह। तो देखिए हम इस साइड से एंटर हुए हैं, और यहाँ सबसे स्टार्टिंग में आप देख सकते हो एक मंदिर जैसा कुछ है, तो देखते हैं अंदर क्या है भाई। ये देखिए ट्रेडिशनल कपड़ा यहाँ का, देखते हैं भाई। और इधर क्या मालूम कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, शायद कुछ मंदिर जैसा है। ये देखिए क्या लिखा है चाइनीज़ में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी मुझे मालूम पड़ा ये उस टाइम का कुछ महल है। ये सारी दीवार जो देख रहे हो ये अभी बनाए हैं, लेकिन जो ऊपर का समा वो देख रहे हो ये सारा कुछ पहले से लगा। ये घर देखिए भाई, ये अंदर चलेंगे ये सारी चीज़ बिल्कुल 900 साल से वैसी है। ये देखिए यहाँ का जो सारा एरिया है ना ये बिल्कुल वही टाइम से वैसी है। ये देखिए ये जो घर की सारी डिज़ाइन है लकड़ी, ये पूरा 900 साल पुराना है। ये देखिए चलते हैं लेक की तरफ, और यहाँ देख सकते हो सारे घर वगैरह जो बिल्कुल वैसी एक जैसे हैं सारे के सारे, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी। और यहाँ देखिए भाई यहाँ की लोकल चीज़ें मिल रही है इसके अंदर, तो देखिए भाई चावल है यार, ये क्या चीज़ से बना है। और ये लीची की कुछ ड्रिंक है, और अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलेगी भाई आप लोगों को। और ये देखिए भाई चाइनीज़ पुराना जो मटका जैसा रहता है ना उसमें कुछ तो चीज़ है भाई, अभी सारी चाइनीज़ में लिखी है। बहुत सारी चीज़ यहाँ आप लोगों को देखने मिल जाएगी, जूस पीने के लिए वगैरह। तो हम यहाँ से देखते हैं कुछ पीने के लिए लेते हैं। लेमन टी, व्हाट इज दिस, दिस वन ख्वामे। एक मिनट में पहले ट्रांसलेट करता हूँ, देखता हूँ ये क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या लेना है। ट्रांसलेट करके तो देखा ये सारा कुछ मिल्क टी है, और ये सारा कुछ लेमन टी है, ये मिल्क टी है और ये लेमन टी है। तो भाई रिकमेंड कर रहे हैं ये वाली प्लम टी, जो कि बोलते हैं यहाँ के हमारा कुछ स्पेशल है, तो ये ट्राई करते हैं। वन दिस 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 वन वन या वन।
तो ट्राई करते हैं भाई, देखते हैं कैसी होती है। और भाई यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है यार, एकदम शांति है। और इधर ये कैफ़े देखिए यार, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई। ये लाइट बहुत ही मस्त लगती है यार, लेंटेन की वजह से ना भाई बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। ये आ गई है हमारी भाई, व्हाट इज दिस, लेमन टी, लेमन चाय। हाँ भाई ये देखिए लेमन टी लिखा भी है यहाँ पर। ये कुछ ऐसे आई है, 20 युआन की मिली है। और ये सारी कुछ दुकान है देख सकते हो आप यहाँ पर, और बाहर का नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं भाई। ये देखिए भाई क्या बात है यार, ये देखिए छोटी सी लेक है यार, ज़्यादा बड़ी लेक नहीं है ये देखिए। और यहाँ साइड में सुविनियर यहाँ पर भी बेच रहे हैं, और काफ़ी अच्छा दिख रहा है यार यहाँ से। ये देखिए ट्रेडिशनल कपड़ा यहाँ का पहने हुए, और बिंदी भी लगाए यार इंडियन जैसी। ये देखिए भाई यहाँ सारे, ये तो पक्का भाई पुराने घर है, ये तो चेंज ही नहीं हुए ऐसा लग रहा है देख के इनको। और चारों तरफ आप देख सकते हो यार बहुत ही अच्छे अच्छे घर हैं, कुछ दुकानें रेस्टोरेंट बना दिए हैं। और ये तितली बनू मस्त, ना मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो यहाँ दादी जी बोल रहे हैं कुछ फ्रूट है, फ्रूट ये कौन सा फ्रूट है यार, पूछता हूँ कितने का इनसे। पूछता हूँ कितने का, हाउ मच फॉर दिस, हाउ मच फॉर, ₹15 का बोल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है यार, अभी इनसे क्या काम करवाऊँ, इतनी उम्र में काम कर रहे हैं, इनसे क्या काम करवाऊँ। दिस वन ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो, रेड रेड, हाँ दोनों डालो भाई। अब इनसे क्या काम करो, 15 युआन जो होते हैं भाई 170-180 रुपए, ठीक है यार। बाकी दूसरे को इतना पैसा दे देते, इनको पैसा नहीं देंगे तो क्या ही बात है। हेलो नियाओ, तो भाई देखिए वेट काटा है, वजन काटा है। कैन यू पुट दिस मोर, रेड 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 रेड, लाल वाला डालो। हाँ भाई ठीक है यार, ओके 20 दियो, देखिए ये रिटर्न देते हैं कि नहीं खाला। हाँ दे रहे हैं ये, ओके ओके शीशे 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 शीशे, अच्छा दे रहे भाई। देखे ये ईमानदार है, वहाँ पे ज़्यादा ले लिए थे, यहाँ पे भाई देने के बाद भी रिटर्न दे दिए हैं, क्या बात है। इतना सारा ले लिए, रास्ते में खाते खाते जाएंगे, म्याओ म्याओ। और यहाँ से भी व्यू देखिए भाई, मस्त आ रहा है यार। तो यार आप लोग देख सकते हैं ये ऐसी कुछ लेक है, और साइड में पूरे घर हैं, पतली पतली गलियाँ भी है। ऐसी कुछ गलियाँ मैं आप लोगों को पहले भी एक्सप्लोर करवा चुका हूँ। और यहाँ भाई धीरे धीरे जैसे शाम का टाइम हो रहा है ना, टूरिस्ट बढ़ते जा रहे हैं और थोड़ा बारिश भी हो रही है भाई। गाँव तो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत भाई, नो डाउट, लेकिन बहुत ज़्यादा टूरिस्टी है। हम ट्राई करेंगे ना एकदम ज़्यादा गाँव के एरिए में जाने की कोशिश करेंगे, जहाँ भाई टूरिस्ट का नामो निशान नहीं, एकदम नॉर्मल। ये तो भाई थोड़ा टूरिस्टी लग रहा है, हम नॉर्मल गाँव में भी जाएंगे, लेकिन इस गाँव की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा शांत और खूबसूरत है। मतलब यहाँ आओ तो पूरा दिन आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने मिलेगी, खाने के लिए पीने के लिए मिलेगी। लोग मेरा वीडियो भी बना रहे हैं, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं यहाँ 11 बजे निकला था और यहाँ आते आते 2 बज गया था। अभी हम चलते हैं क्योंकि तकरीबन बज गए हैं 5, और जाते जाते भाई आप लोगों को मालूम है 3-3.5 घंटा लग जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा। तो ये था सारा कुछ इस गाँव का टूर, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और ये फ्रूट खाते खाते हम निकलते हैं हमारे हॉस्टल की तरफ, इन पतली पतली गलियों से।